हेलो फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। आज संडे है और आज का दिन तो अंडे का होता है, तो मैंने सोचा आज आपके लिए अंडे की एक नई डिश बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, चलिए दिखा देते हैं। इसके लिए मैंने अंडे लिए हैं, दो मैंने अंडे उबले हुए लिए हैं और तीन अंडे मैंने कच्चे लिए हुए हैं। इसका हम इस्तेमाल आपको लगातार बताती रहूँगी। और मैंने टमाटर लिए हैं, ये मैंने तीन टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये दो प्याज हैं, इन्हें मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और हरा धनिया इन्हें भी चॉप कर लिया है। ये मेरा लहसुन है, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, उसमें लहसुन, हरा लहसुन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो मैंने ये हरा लहसुन है ये मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और ये हमारा ग्रीन चिली है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, अदरक छोटा छोटा, और थोड़ा सा बटर चाहिए हमें, तेल चाहिए। ऑयल आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सारी डिश बटर में भी बना सकते हैं। सूखे मसालों में हमें नमक चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, गरम मसाला पाउडर चाहिए, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, जीरा पाउडर चाहिए और धनिया पाउडर चाहिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल के संग ही हम बटर डालेंगे। मैंने अभी तक आपको इसका नाम नहीं बताया, जब हमारा ये बन जाएगा तब मैं आपको इसका नाम बताऊंगी और ये बताऊंगी कहाँ ये डिश कहाँ पे बहुत फेमस है। सबसे पहले मैं हरी मिर्च डालूंगी, अब मैं लहसुन, हरा लहसुन, हरे लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। अब इसके संग हम अदरक डाल देंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए, अब हम अपने सारे दो प्याज जो मैंने चॉप करे थे वो डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज हल्का सा पिंक शेड में आ जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब मैं जो प्याज है वो हल्के पिंक से हो गए हैं, अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर, तीन टमाटर मैंने चॉप किए हैं और हम टमाटर को गल जाए अच्छे तरीके से, तो आपको पता है कि हमें नमक डालना है। नमक डालने से हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। इसी में हमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालना है। अच्छे तरीके से गला लेना है हमें टमाटर। अब मैं इसे ढक करके दो मिनट पका लेंगे जिससे हमारे टमाटर गल जाए। अब हमारे टमाटर गल गए हैं, देखिए। अब हम गैस को धीमा कर देंगे और इसमें जो हमारे बॉइल्ड एग्स हैं उन्हें घिस देंगे। ये हमारी एक स्ट्रीट फूड रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये पाव के संग खाई जाती है या ब्रेड के संग खाइए। अच्छे तरीके से अब हम इसको थोड़ी सी इसमें हरी धनिया और डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें ये अच्छे तरीके से मिल गया। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल देंगे। मसाले में हमें हरा धनिया, हल्दी, सॉरी मैंने हरा धनिया बोल दिया, हल्दी, थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से, और मैं इसमें इनको भून लेंगे। और जो हमारा ये डिश है ये थोड़ी सी पतली होती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा।
हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसको तेज आंच पे ही आप पकाएंगे। यह हमारा जो डिश है उसका मसाला तैयार हो गया है। चलिए मैं इसका डिश का नाम बता देती हूँ। ये एक सूरत की फेमस डिश अंडा घोटाला है। इसमें आपको पता ही चलेगा कितने अंडे कैसे यूज करें, और हम इसमें अंडे यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। अब ये देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो अंडे हमने लिए हैं दो, इन्हें भी तोड़ के कच्चा डाल देंगे। और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिला लेंगे। इसमें हम अंडे को बहुत अच्छा, ये अंडे की डिश है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे हम लोग पाव के संग खाते हैं और ब्रेड के संग खाते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम और डाल देंगे इसमें। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और ये देखिए आप पानी की जगह इसमें दूध भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसमें एक जो हमारा बचा हुआ अंडा है उसको भी फोड़ के डालेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम ढक देंगे ताकि जो हमारा अंडा है वो पक जाए, और इसे 5 मिनट ढक के पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए हमारा तैयार हो गया है अंडा घोटाला। ये सूरत की बहुत ही फेमस डिश है और ये खाने में बहुत टेस्ट लगती है। इसे हम लोग बंद से या ब्रेड से खाते हैं, और ये नाश्ते में बनाइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।